असलकुम ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्लामियात का पेपर है लेक्चरर इस्लामियात का 2015 का इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेक्चर की सीट्स आने वाली हैं तो लेक्चर के लिए हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर हम यहाँ वीडियो पोस्ट करते रहेंगे इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें सवाल नंबर एक शाह बलील्ला का असल नाम क्या है दुरुस्त जवाब है कुतुबुद्दीन सवाल नंबर दो शाह वली के नज़दीक मनसूख़ हयात की तादाद कितनी है दुरुस्त जवाब है पाँच सवाल नंबर तीन हदीस जब्राइल का मौजू क्या है दुरुस्त जवाब है ईमानियात सवाल नंबर चार शरीयत का चौथा माखिज दुरुस्त जवाब क्यास सवाल नंबर पाँच तीसरी तीस सलेबी जंग का चीफ कमांडर कौन था दुरुस्त जवाब है रिचर्ड सवाल नंबर छः शरीयत का दूसरा माखिज दुरुस्त जवाब अदीस सवाल नंबर सात एपद में किसको बेहतरीन समझा जाता है दुरुस्त जवाब है ब्रह्मा सवाल नंबर आठ मुशायरा कबाप दुरुस्त जवाब है मुफाइला सवाल नंबर नौ मोहम्मद बिन कासम ने सिंध को कफ फतः किया दुरुस्त जवाब है सन सात सौ बारह सवाल नंबर दस बकर की वालदा का नाम सलमा सवाल नंबर ग्यारह आप सल्लल्लाहु अलैहि आपलीम को खातिमबीन के सूरत में कहा गया इसका दुरुस्त जवाब है सूरत आजाब सवाल नंबर बारह सैद मधूदी ने कितने साल की उम्र में किताबल ज्जाद लिखी दुरुस्त जवाब है चौबीस साल सवाल नंबर तेरह नूरसी तहरीक के बानी कौन थे दुरुस्त जवाब बदीर जमां सवाल नंबर चौदह ज़मीन कितने अर्से में सूरज के गर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है दुरुस्त जवाब एक साल सवाल नंबर पंद्रह कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब तरतीब तोकीफी सवाल नंबर सोलह सूरत अलसफ़ के कितने नंबर पर है कुरान में किस नंबर पर है तो साफ़ तो इसका दुरुस्त जवाब है इकसठ सवाल नंबर सत्रह मशहूर हदीस में कितने रावी होते हैं दुरुस्त जवाब है तीन सवाल नंबर अठारह अबूल अम्बैया किस नबी का लक़ब है दुरुस्त दुरुस्वाब हज़रत इब्राहिम सवाल नंबर उन्नीस जामतर किस मुल्क में है दुरुस्त जवाब मिसर सवाल नंबर बीस इखवानमसलिमी मसलमून किस मुल्क की तहरीक है दुरुस्त जवाब मिसर सवाल नंबर इक्कीस हजरत नू का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया दुरुस्त दुरस्त जवाब फ़ोटी थ्री सूरत सवाल बाईस आयात मुहरबा कौन सी सूरत में है दुरुस्त जवाब सूरत माह तालमूद कौन सी जबान का लफ्ज़ है दुरुस् जवाब इब्रानी सवाल नंबर चौबीस नजरान के ईसाइयों को बैतुलमक़दस से किसने निकाला था दुरुस्त जवाब हजरत उम्र रजी अल्लाह तु सवाल नंबर पच्चीस ज़कात किस आयत में आयत नंबर बताना है तो दुरुस्त जवाब आयत नंबर साठ सवाल नंबर छब्बीस मसाक़ात कामानी क्या है दुरस्त जवाब आपाशी आप सवाल नंबर सत्ताईस मुखासमा काफ़ी मतलब क्या है दुरस्त जवाब झगड़ा करना सवाल नंबर अट्ठाईस चांद गिरन के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है खसूफ अरब में बुधप्रस्ती किसने मुतारफ़ करवाई उम्र बिन लही सवाल नंबर तीस तफसि फीजल कुरान किस की है सैद कुतुब शहीद की सवाल नंबर इकतीस शादीशुदा जानी की सज़ा क्या है इसका जवाब है शादीशुदा जानी की सज़ा कुरान में बयान नहीं हुई सवाल नंबर बत्तीस खबरें मकबूल की अकसाम कितनी है जवाब है चार सवाल नंबर तैतीस फस्तायत का आगाज़ कहाँ से हुआ दुरुस्त जवाब है इटली सवाल नंबर चौबीस हर चीज़ का मादा पानी है किसका कौल है अरस्तु का सवाल नंबर पैंतीस अरस्तु के नज़दीक खुदा क्या है अल्लात अवला सवाल नंबर छब्बीस अलसई लेमन बादल अदीन अलमसी इस किस का है ये तो इसका दुरुस्त जवाब है तीमिया सवाल नंबर सैंतीस इस तरक़ियत का बुनियादी नज़रिया किसने पेश किया दुरुस्त जवाब एफलातून मुनकर खुदा को क्या कहते हैं मलहिद सवाल नंबर उनतालीस पहले इस्लामी बैरी बेड़ी में कुल कितने जात थे दुरुस्त जवाब है पाँच सौ ज़्यादा सवाल नंबर चालीस आकाम याशरा के मवा आकाम किस सूरत में है सूरत इनाम आयत नंबर वन फिफ्टी वन नाइन वन फिफ्टी टू सवाल नंबर इकतालीस अहल किताब का जबिया हलाल है सवाल नंबर बयालीस शबाब मल्लिकात में कौन सी सूरत लटकाई गई थी सूरत अकौसर बख्शु कौन सा लिबास पहनता जिसका दुरुस्त जवाब है ज़रत सवाल नंबर चवालीस बरानी ज़मीन की कितनी जकात होती है बारानी ज़मीन जो है उसकी उजर क्या होता है दस फ़ीसद सवाल नंबर पैंतालीस सोने का निशाब कितना है साढ़े सात तो सोना हो तो उस पर जो है वो जकात वाजिब होती है सवाल नंबर छियालीस इटलर का तल्ल किस मुल्क से था जर्मनी से सवाल नंबर सन्तालीस तारों से मुजयन आसमान का जिक्र किस सूरत में है सुरतुलमल्क सवाल नंबर अठतालीस अस्तरलाब कौन सा आला है जमीन की पेमाइश का करने वाला सवाल नंबर उनचास उम्मत की जमा उम्म। के, के है दरस्त जवाब उमाम सवाल नंबर पचास सैंस मजहब के बगैर लंगड़ी और मजहब सैंस के बगैर अंधा है किसका कौल है आइंस्टाइन तो ये हाफ जो है पेपर हमने सॉल्व किया है बाकी का हाफ पेपर इससे अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे